तो दोस्तों वेलकम टू चैनल एस के लिए फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कप 2023 का जो थर्ड मैच खेले जाएंगे बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में, उसी के बारे में। इस टाइम यहाँ पर दोस्तों कल सुबह 10:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। और ये मैच जो खेले जाएंगे भाई, वो खेले जाएंगे यहाँ पर दोस्तों धर्मशाला स्टेडियम में। और इस स्टेडियम में आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रन बनते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बॉलर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता है, स्पेशल स्पिन के लिए उतना मददगार नहीं है। लेकिन फास्ट बॉलर को यहाँ पर दोस्तों इनिशियल ओवर में यानी स्टार्टिंग के ओवर में यहाँ पर उनको स्विंग जरूर मिलेंगे, जैसे तस्कीन अहमद, फाजिल फारूकी, ऐसे बॉलर्स को दोस्तों स्विंग मिलेंगे। तो जब पेयरिंग से बॉलिंग करेंगे तो जरूर पिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बाउंड्री काफ़ी छोटा देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर 4 छक्का की बरसात हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे लेंथ पे, अच्छे लाइन पे बॉलिंग करेंगे तो फिर बॉलर्स के लिए भी कुछ रहेंगे, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के यहाँ पर रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है, टोटल 4 मैचेस हुए हैं, ठीक है। और 4 मैचेस में दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ 1 बार जीते है, और सेकेंड में बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीते है। तब समझ सकते हैं यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर कोशिश करना जो टीम पहले बॉलिंग करेंगे उसी टीम को फेवरेट मानते हुए टीम बनाने की, क्योंकि जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगा उस टीम का जीतने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि स्टेट्स यही बता रहा है, ठीक है। और 4 में से दोस्तों यहाँ पर 2 बार तो लो स्कोरिंग भी हुआ था, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। लेकिन बाउंड्री काफ़ी छोटा है, तो बैट्समैन को काफ़ी मदद मिलेंगे। और फास्ट बॉलर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक करना भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप राशिद खान, मुजीबुर हक को ड्रॉप कर दोगे। देखिए मुजीबुर हक इस मैच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि भाई बांग्लादेश के पास कम से कम 4 से 5 लेफ्ट हैंडर है, ठीक है। तो मुजीबुर आपके इस मैच में 1 से 2 विकेट मिनिमम चटका के देंगे। आपको पता है मुजीबुर काफ़ी बेहतरीन बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है, ठीक है। तो वो तो आपकी टीम में डिफॉल्ट पिक रहेंगे। राशिद खान को ड्रॉप करने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि बंदा भाई कितना क्वालिटी खिलाड़ी, आपको पता ही होगा। आपको तीनों डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट सब अच्छे से पॉइंट दिला के जाएंगे। आप चाहो तो उनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, ठीक है। चीजों के बारे में आप लोग डिस्कस कर ही लेंगे, पहले चलिए दोनों टीम का कुछ इशू कर देख लेते वार्म अप मैचेस की, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्लेयर क्या परफॉर्मेंस किए थे वार्म अप मैचेस में, ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। और दोस्तों अभी आपको वीडियो में टीम देखने मिलेंगे, वो एक डेमो टीम रहेंगे, बाकी फाइनल टीम आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देख सकते, जहाँ पर श्रीलंका ने 294 बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान कितना कंफर्टेबल मैच विन किया था खुद देख सकते हैं। DLS मेथड के चलते यहाँ पर दोस्तों 261 का टारगेट था और वो कंफर्टेबली विन कर लिए थे। देखिए गुरबाज ने 119 बना दिए थे, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किए थे, और गुरबाज का रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है, ठीक है। टोटल 5 सेंचुरी इन्होंने बना चुके हैं ODI में, ठीक है। तो आप समझ सकते कितना बेहतरीन खिलाड़ी है गुरबाज, ऐसा ही खिलाड़ी भाई, जब चलेंगे तो भाई बड़े स्कोर खड़ा कर देंगे, और जिस दिन आउट हो जाएंगे तो पावर प्ले में अपना विकेट फेंक के जाएंगे। यहाँ पर देखिए भाई गुरबाज के लिए एक ही खतरा रहेंगे, वो रहेंगे तस्कीन अहमद, ठीक है, क्योंकि तस्कीन अहमद के सामने इनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खराब है। लास्ट सीरीज में जब दोनों खिलाड़ी आमने सामने हुए थे तो तस्कीन अहमद इनको 3 ओवर आउट किए थे, 3 मैचेस में 3 ओवर ही आउट कर दिए थे। तो गुरबाज के लिए थोड़ा सा तो रिस्क ही रहेंगे, गुरबाज अगर तस्कीन का ओवर थोड़ा सा देख के निकल देंगे तो भाई अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी छोटा है। तो गुरबाज अगर यह टिक गया ना भाई, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी पिक रहेंगे, एक टीम आप इनको कैप्टन भी बना के जाइएगा GL में। इब्राहिम जाडान का भाई रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, फिर भी आप इनको चाहो तो बैक कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ही बड़ी पिक बनेंगे। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, ठीक है। खिलाड़ी बहुत ही शानदार है, रोहमत शाह यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा पारी खेले थे, लेकिन रोहमत शाह को मैं फिलहाल इस मैच में पिक नहीं करूँगा, आप चाहो तो बैक कर सकते हैं। इस ऑम मैच में इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किए थे, 93 रन बना दिए थे, ना भी यहाँ पर प्रमोट किए थे और ना भी आपको 10 ओवर की फुल बॉलिंग देंगे, तो आपके लिए डिफॉल्ट पिक, गलती से ड्रॉप मत करना। नाजीबुल्ला उतना अच्छे फॉर्म में है नहीं, तो मैं इनको पिक नहीं करूंगा। आजमतुल्ला यहाँ पर 14 बने थे, आइए बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते। तो बॉलिंग से फाजल फारूकी यहाँ पर देखिए 1 विकेट चटकाए थे, मुजीब यहाँ पर 1 विकेट, नबीन उलहक 1 विकेट, फिर देख आजमतुल्ला 3 विकेट ले, काफ़ी पिटाई भी हुआ था। अब्दुल रहमान 1 विकेट, इनको खेलने का मौका नहीं मिलेंगे। नूर अहमद का भी खेलने का चांस कम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शन है। राशिद खान 1 विकेट, नबी यहाँ पर देखे 4 विकेट चटकाए थे। बांग्लादेश के एक मैच की परफॉर्मेंस देख सकते जहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, बैटिंग से 180 बना पाए थे, लेकिन इंग्लैंड का भी 6 विकेट गिरा दिए थे, ठीक है। फिर बैटिंग से परफॉर्मेंस देखिए, तानजी दास ने यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, 45 रन बनाए थे। लिटन दास भाई लगातार फ्लॉप जा रहे हैं, और लिटन दास को मैं इस मैच में बिल्कुल ड्रॉप करूंगा, क्योंकि इनका रिकॉर्ड फाजिल फारूकी के सामने काफ़ी ज़्यादा खराब है। और दोस्तों यहाँ पर जो रहेंगे मुजीबुर रहमान, इनके सामने भी खराब है, और ये दोनों आपको पावर प्ले बॉलिंग करते नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये ओपनिंग पर आएंगे, 3 विकेट फिर से ले जाएंगे दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो आप इनको ड्रॉप करके जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। यहाँ पर शांत तो बहुत ही शानदार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और बांग्लादेश के लिए रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 बैट्समैन अभी बन चुके हैं बांग्लादेश के लिए रिसेंट टाइम में, तो आप इनको बैक कर सकते, लेकिन लिए भी थोड़ा सा खतरा रहेंगे मुजीबुर रहमान, क्योंकि मुजीबुर रहमान भाई हमेशा लेफ्ट हैंडर को
खतरे में डाल देते हैं। ठीक है, मेहदी हसन मिराज बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी भाई, बांग्लादेश के लिए मोस्ट अंडररेटेड खिलाड़ी है, पर बहुत मिराज आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगे, आप शत्रु को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हालांकि इस मैच का बॉलिंग करने के चांस थोड़ा कम रहेंगे, लेकिन बैटिंग से भी ये इतना अच्छा खिलाड़ी है ना कि भाई इनको जहाँ पर भी मौका देंगे ना, यानी इनको जिस भी पोजीशन में इनको बैटिंग करने का मौका देंगे वहाँ पर आके इन्होंने परफॉर्मेंस करके दे देते तो ये तो आपके टीम में डिफॉल्ट पिक रहेंगे। मुस्फिक और राइम यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे आएंगे तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि राशिद खान इनके सामने रहेंगे तो भाई रन बनाना थोड़ा मुश्किल रहेंगे। महमूदुल्ला यहाँ पर आपको कुछ बार की बॉलिंग दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड मैं नहीं करूँगा। हृदय आप चाहो तो बैक कर सकते, फिलहाल मैं इनको भी पिक नहीं करूँगा। मेहदी हसन शायद इनको खेलने को मौका नहीं मिलेंगे, बाकी तस्किन अहमद तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। चलिए बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बॉलिंग से देखिए मुस्तफिज रेवन 2 विकेट चटकाए थे, जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग अब जरूर पिक करके जाइएगा, विकेट टेकर बॉलर है। हसन में वो शायद खेलने को मौका इनको नहीं मिलेंगे। सोरीपुर इस्लाम एक विकेट टेकर बॉलर है, ठीक है, ये भी आपके लिए ठीक ठाक भी बन जाएंगे। तस्किन अहमद है 4 ओवर में 1 विकेट, ये भी अच्छे पिक रहेंगे। मेहदी हसन शायद खेलेंगे नहीं, या फिर नासिर अहमद डेफिनेटली खेलेंगे, आप चाहो तो इनको बैक कर सकते, विकेट टेकर है, थोड़ा वो बैटिंग भी अभी कर लेते हैं। ठीक है, सबके लिए एक बहुत ही शानदार और बढ़िया सा एप्लीकेशन लाया हूँ जिसका नाम है क्रिकवैन। इस एप्लीकेशन का दोस्तों क्या खूबी है मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल में उनको तो पता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में कुछ दिनों से ऑलरेडी प्रमोट कर रहा हूँ, और मैं क्यों इस एप्लीकेशन का प्रमोट कर रहा हूँ आपको भी पता चलेंगे थोड़ी देर में। जब इस एप्लीकेशन के बारे में जान लोगे ना तो भाई आप खुद से इस एप्लीकेशन का लिंक ढूंढने लगोगे। भाई देखो ऑलरेडी आप 30% TDS हर एप्लीकेशन में दे रहा है, अगर आप दोस्तों 10,000 आप विनिंग करते हो तो भाई इनमें से आपको 3,000 TDS के नाम पर देना पड़ता है। ठीक है, तो भाई ये बहुत बड़ी रकम होती है, 3,000-10,000 में आपको भरना पड़ता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको 1 रुपया भी TDS के नाम पर ना देना होगा और ना ही GST के नाम पर, यानी आपका TDS और आपका GST, ठीक है, सब यहाँ पर कंपनी पे करेंगे। तो भाई इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना तो आपको कोई TDS देना होगा और ना ही भाई यहाँ पर आपको कोई GST भरना होगा। तो भाई इस एप्लीकेशन को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहा है, फटाफट डाउनलोड करो। आपको इसी वीडियो के फास्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों रेफरल कोड SK11 जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, फिर भी अगर कुछ भी दिक्कत आए, ठीक है, वेरिफिकेशन वगैरह लेके कुछ भी लेके मुझे दोस्तों इंस्टा पे बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व करवा दूंगा। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको इंस्टेंट विदड्रॉल भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई और क्या चाहिए आपको, ना TDS ना GST, ठीक है, इंस्टेंट विदड्रॉल। एप्लीकेशन ना हर किसी एप्लीकेशन से भाई लेस कमीशन ले रहा है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो किसी भी मैच की कॉन्टेस्ट खोल के देख लेना, मैं आपको चलिए वो दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन कितना ज़्यादा लेस कमीशन लिए जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं, मैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, आप खुद देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा लो कमीशन लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पर आपको कोई TDS नहीं देना होगा ना तो कोई GST, उसके बाद भी देखिए भाई यहाँ पर कमीशन देखिए कितना ज़्यादा लेस है, आप खुद देखो यहाँ पे। ठीक है भाई, तो समझदार बनिए और अपना पैसा का इज्जत करना सीखे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा पैसा बचाओगे आपके लिए उतना ही फायदा। भाई ये वाली कॉन्टेस्ट आप एक बार देख लो, आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल के देख लेना, ये वाली कॉन्टेस्ट आपको मिनिमम 1,080 में मिलेंगे। कॉन्टेस्ट खेल के आपका 50 रुपया सेव हो रहा है, तो भाई क्रिक फैन आपके लिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है और कितना ज़्यादा सुइटेबल है आपको तो समझ में आ गया होगा। और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन पे या फिर फास्ट कमेंट पे भी आपको लिंक मिलेंगे, उसी लिंक से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर खेल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा विनिंग करोगे उतना ही दोस्तों आप विड्रॉल कर पाओगे, 1 रुपया भी आपको TDS और GST के नाम पर नहीं देना होगा। विकेट कीपिंग सेक्स में देखिए पर दोस्तों मैं गुरबाज के साथ जाऊंगा, अगर आपको लिटन दास को पिक करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इनके लिए क्या खतरा रहेंगे नहीं रहेंगे। मुस्फिक और रहीम को आप चाहो तो बैक कर सकते हैं, क्योंकि मुस्फिक और रहीम भाई यहाँ पर स्पिन के लिए एक अच्छे खिलाड़ी है। ठीक है, स्पिन के अगेंस्ट अच्छे बैटिंग करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड यहाँ पर नहीं करूँगा। बैटिंग सेक्स में देखिए आप नाजुल हुसैन सांतो आई जडरन और यहाँ पर दोस्तों रहेंगे रहमत शाह, इन तीनों में से किसी एक या फिर किसी दो खिलाड़ी के साथ आप जा सकते हैं। स्पेशल देखिए यहाँ पर नाजुल हुसैन सांतो का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है और लास्ट टाइम तो साबिक करने के सामने इन्होंने बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस किए थे, तो आप इनको बिल्कुल बैक करके जा सकते हैं। इब्राहिम जाडन भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, आप इनको बैक कर सकते हैं, लेकिन तस्किन अहमद के सामने थोड़ा सा रिस्की पिक ही रहेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को पिक की जगह मैं फिलहाल किसी एक के साथ ही जाऊँगा। मैंने अभी के लिए दोस्तों नाजुल हसन सांतो को पिक किया हूँ, लेकिन फाइनल टीम में मैं इब्राहिम जाडन के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि नाजुल हसन सांतो के लिए भी थोड़ा सा खतरा रहेंगे, मुझे भी इनको आउट कर सकते हैं, मैं आउट किसी के साथ फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन देखिए साकिब अल हसन डिफॉल्ट पिक में रखिएगा, मेहदी हसन मिर्जा डिफॉल्ट पिक में रखिएगा, मोहम्मद नबी ये भी डिफॉल्ट पिक में रखिएगा, बाकी यहाँ पर देखिए गुरबंदी नायब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कि ए अमर अजय अगर खेलेंगे तो पिक कर सकते हैं, फिलहाल मैं इनको भी पिक नहीं कर रहा हूँ।
यहाँ पर देखिए बॉलिंग सेक्शन राशिद खान, फिर देखिए तस्कीन अहमद, मुजीबुर रहमान, ये तीनों मेरे टीम में डिफॉल्ट पिक रहेंगे। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर रहेंगे दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, फाजिल फारीकी, शरीफुल इस्लाम सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है इस मैच में, ठीक है। विकेट टेकर आप इनको पिक करके जा सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर पिक करूँगा नाबिनुल हक को, क्योंकि बहुत ही बड़ा बॉलर है और रिसेंट फॉर्म बहुत ही शानदार है, ठीक है। रिसेंटली 4-5 मैचेस में इन्होंने लगातार विकेट लेकर आई पी एल में भी अच्छे बॉलिंग किए थे, तो आप इनको पिक कर सकते हैं। मैंने इनको फिलहाल पिक किया हूँ। यहाँ पर देखिए रहेंगे दोस्तों नासूम अहमद, ठीक है, फिर रहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो रहेंगे नीचे, यहाँ पर शायद किसी को खेलने को मौका ना मिले, तो यहाँ पर भी कम कर सकते हैं कि फाजिल, यहाँ पर देखिए फाजिल फारूक और मुस्तफिजुर रहमान। मैं तो यहाँ पर दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को जरूर पिक करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फाजिल फारूक और शरीफुल इस्लाम, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। जो भी पहले बॉलिंग यानी बांग्लादेश अगर पहले बॉलिंग तो बांग्लादेश की तरफ से शरीफुल इस्लाम को पिक कर लेना, अफगानिस्तान पहले बॉलिंग तो अफगानिस्तान की तरफ से फाजिल फारूक को पिक कर सकते हैं। या फिर वर्ल्ड सेक्शन में देखिए आप मेहदी हसन आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे, आप इनको पिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल दोस्तों सोच रहा हूँ मेहदी हसन या फिर शरीफुल में से किसको पिक किया जाए, बिल्कुल अपने टीम में जगह दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको ड्रॉप करने तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो देखिए साकिब अल हसन आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगे कैप्टनसी के। बाकी वाइस कैप्टनसी के लिए मोहम्मद नबी, मेहदी हसन मिराज, राशिद खान, यही तीनों अच्छे ऑप्शन रहेंगे। मैं कैप्टनसी यहाँ पर दोस्तों साकिब अल हसन को दिया हूँ, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पर राशिद खान को दिया हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, मिराज बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, बंदा हर मैच में रन बना रहा है, विकेट भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है, तो आप इनको बना सकते हैं। फिर वो देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फाइनल नहीं है, फाइनल टीम आपको डेफिनेटली चेंज देखने मिल सकते हैं। तो फाइनल टीम चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो की फास्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। बिल्ड सेक्शन रहमतुल्ला गुरबाज को पिक किया हूँ, बैटिंग सेक्शन नाजमुल हसन शांतो, ऑलराउंडर सेक्शन मेहदी हसन मिराज मोहम्मद नबी, फिर देखिए साकिब अल हसन को पिक किया हूँ। बॉलिंग सेक्शन देखिए राशिद खान, मुस्तफिजुर रहमान, फिर देखिए तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुजीबुर रहमान और फिर नाबिनुल हक को पिक किया हूँ। तो इतना सारे बॉलर्स नहीं चाहिए तो आप एक कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान या फिर नाबिनुल हक या फिर शरीफुल इस्लाम, इन तीनों में से किसी को ड्रॉप करके फाजिल फारूक को पिक कर सकते हैं या फिर आप इब्राहिम जॉर्डन को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इब्राहिम जॉर्डन एक अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी है, वो आपके लिए ठीक ठाक पिक बनेंगे और छोटा ग्राउंड है तो रन बना सकते हैं। फाइनल टीम में मैं ए वाला चेंज करके जा सकता हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ फाइनल टीम आपको डेफिनेटली चेंज तो मिल सकते हैं टॉस के अकॉर्डिंग। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।